जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद मुरादनगर में गौशाला को लेकर 3 दिन से चल रहे विवाद ने तूल पकड़ा। उसी के संबंध में गौशाला में हो रही समस्याओं को लेकर आज अजय शर्मा और बजरंग दल व विश्व हिन्दू परिषद के सदस्यों ने अधिशासी अधिकारी शैलेन्द्र कुमार से मिले और गौशाला में हो रही असुविधा के बारे में जानकारी दी और कहा कि गौशाला मुरादनगर में जो देखभाल कर रहा है वह अपना कार्य सही से नहीं निभा रहा, उसको तत्काल देखरेख से हटाया जाए, उसकी जगह दूसरी कोई कार्यकर्ता लगाया जाए। अधिशासी अधिकारी ने समस्याएं सुनी और गौशाला रखरखाव में कोई भी समस्या पाई जाएगी तो उसको तत्काल कार्य से निलंबित कर दिया जाएगा। आज जो मुरादनगर नगर पालिका में आए हैं उसका गौशाला का विषय था। पिछले कुछ दिनों से हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी गौशाला में अनियमितता बरती जा रही है, कोई केयर टेकर की लापरवाही को लेकर था और कुछ डॉक्टरों की समस्या को लेकर था। अब इसी विषय में हम यो साहब से मिले हैं। यो साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी और वहाँ पे एक अच्छा एयर टेकर की व्यवस्था करी जाएगी। हमारे गौशाला में परसों की बात है, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता गए थे देखने की गौशाला में क्या समस्या है। तो गौशाला में उनके द्वारा मेरे को बताया गया, लेकिन गौशाला में ऐसे कोई समस्या है नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक नया बड़ा सा सेट जिसमें गाय रहती है सेट बनवाया है। प्रतिदिन 10 से 15 क्विंटल हरा चारा आता है, भूसे की पर्याप्त व्यवस्था है, करी चुनी और हरे चारे फल की सबकी व्यवस्था मेंटेन है। हमारे यहाँ गौशाला में कोई वैसी समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्या है जो बेसिकली पशुओं के दवा से संबंधित है। तो मेरी CBO साहब से बात हुई है, उसका रिजाल्व उन्होंने करवा दिया, अब कोई समस्या नहीं। जैसे आए दिन ले गए कोई भी जो उसके कार्यकर्ता है हाँ और उनका जो संरक्षक है देखने वाले, मतलब जो उनमें भी काफी विवाद रहता है तो उसको बदलने की भी आपसे बात की गई है। हाँ, इनके डिमांड थी कि केयर टेकर जो कौर पाल जी है उनको चेंज कर दिया जाए, देखेंगे उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, देखते हैं कोई अगर अच्छा कार्य करने वाला होगा तो हम उसके बारे में इसका विचार। तो कोई सर कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये तो गौ माता है, इनका देख रेख करना है, इनकी सेवा करना है, सबका दायित्व तो है, नगर पालिका का भी है, बजरंग दल वाले, हिंदू युवा वाहिनी वाले, गौरक्षक वाले, सबका दायित्व तो है, सबको गौरक्षा के गौवंश की सेवा करनी चाहिए। हमने आज सबसे अपील भी की है, सभी गौवंश जो गौरक्षक वाले हैं प्रतिदिन आवे, 2 घंटे गौ की सेवा करें।